अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न, जिसके लिए यार्न और 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। चेन वन, चेन टू, चेन थ्री, चेन फोर, चेन फाइव एंड चेन सिक्स। सिक्स चेन्स बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम चेन वन, चेन टू, चेन थ्री बनाएंगे, जो एज अ डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद राउंड के अंदर हम डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल थ्री डबल क्रोशियज बन जाएंगे। इसके बाद हम चेन वन, चेन टू, चेन थ्री, थ्री चेन्स बनाएंगे। और उसके बाद हम राउंड के अंदर दोबारा डबल क्रोशियज बनाएंगे। डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू, डबल क्रोशे थ्री। थ्री डबल क्रोशेज बनाने के बाद अगेन हम थ्री चेन्स बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाने के बाद अगेन थ्री डबल क्रोशेज, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू, डबल क्रोशे थ्री। अगेन चेन वन, चेन टू, चेन थ्री, थ्री चेन्स और थ्री डबल क्रोशेज। डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। इस तरह से हम फोर थ्री डबल क्रोशेज के पैटर्न तैयार कर लेंगे और हमारे पास एक स्क्वायर डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। इसके बाद हम अगेन थ्री चेन्स बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाने के बाद हम थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच करने के बाद हम जो सेकंड डबल क्रोशे है हमारा उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। थर्ड डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और चेन थ्री स्पेस के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। हमारा फर्स्ट जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम थ्री चेन्स बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाने के बाद हम थ्री चेन स्पेस के अंदर डबल क्रोशेज बनाएंगे। डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू। टू डबल क्रोशियज बनाने के बाद हम थ्री चेन्स बनाएंगे। उसके बाद थ्री चेन स्पेस के अंदर अगेन हम थ्री डबल क्रोशियज बनाएंगे। डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। इसके बाद हम टू चेन्स बनाएंगे। चेन वन, चेन टू और थ्री चेन स्पेस के अंदर थ्री डबल क्रोशियज बनाएंगे। डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू, डबल क्रोशे थ्री, वन टू थ्री, चेन थ्री, अगेन डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। थ्री डबल क्रोशेज बनाने के बाद अगेन हम चेन टू बनाएंगे। चेन वन, चेन टू और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर थ्री डबल क्रोशेज, थ्री चेन्स, वन टू थ्री, अगेन थ्री डबल क्रोशेज, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। चेन टू, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। अगेन वन टू थ्री, थ्री चेन्स बनाने के बाद डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। थ्री डबल क्रोशेज बनाने के बाद हम चेन टू बनाएंगे और थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच करने के बाद
हम फर्स्ट राउंड की तरह सेकंड डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद थर्ड डबल क्रोशे के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद थ्री चेन स्पेस के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। सेकंड राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड के लिए अगेन हम थ्री चेन्स बनाएंगे, चेन वन, चेन टू, चेन थ्री। थ्री चेन्स बनाने के बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे टू टाइम्स, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू। टू डबल क्रोशेज बनाने के बाद अगेन हम थ्री चेन्स बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाने के बाद हम सेम चेन स्पेस के अंदर थ्री डबल क्रोशेज बनाएंगे, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। थ्री डबल क्रोशेज बनाने के बाद हम टू चेन्स और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर हम थ्री डबल क्रोशेज बनाएंगे, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। अगेन चेन वन, चेन टू, टू चेन्स, नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर थ्री डबल क्रोशेज, थ्री डबल क्रोशेज बनाने के बाद थ्री चेन, कॉर्नर पर आपको थ्री चेन्स बनानी है और साइड्स पर आपको टू चेन्स बनानी है। कॉर्नर पर आपको टू टाइम्स थ्री डबल क्रोशेज ऐड करने हैं और सिंपल टू चेन स्पेस के अंदर आपको एक मरतबा तीन डबल क्रोशेज ऐड करने हैं और इसी तरह से आप बिल्कुल एंडिंग तक बना लेंगे। मैंने एंडिंग तक बना लिया है। अगेन चेन टू, थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच, सेम फर्स्ट राउंड की तरह हम अगेन सेकंड डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच, उसके बाद थर्ड डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच और थ्री चेन स्पेस के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक और राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हम थ्री चेन्स बनाकर डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू, टू डबल क्रोशेज बनाएंगे, चेन थ्री बनाएंगे। चेन थ्री बनाने के बाद हम सेम चेन स्पेस के अंदर डबल क्रोशेज बनाएंगे थ्री टाइम्स, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। चेन टू, डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे टू एंड डबल क्रोशे थ्री। इस तरह से डबल क्रोशेज बनाते जाएंगे। हर स्पेस के अंदर, कॉर्नर स्पेस के अंदर हमें टू टाइम्स थ्री डबल क्रोशेज बनाने हैं थ्री चेन्स के गैप के साथ और इस तरह से हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। चेन टू बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे थर्ड चेन के अंदर। इस तरह से आपका ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। अगर आपको ग्रैनी स्क्वायर का ये पैटर्न पसंद आया हो तो इसे आप जिस भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।